गैब्रियल अग्रेस्ट अकुमाटाइज हुए थे, इसका मतलब कि वो हॉगमॉथ नहीं हो सकते, है ना? हो सकता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि जादुई किताब के मालिक गैब्रियल अग्रेस्ट है? पहले मुझे लगा कि वो बुक गैब्रियल अग्रेस्ट के बेटे एड्रियन की है, क्योंकि एक लड़की के चुराने से पहले और टीकी के वापस लाने से पहले मैंने स्कूल में वो बुक एड्रियन के पास देखी, और मैं आपसे मिली ही थी तो आपको नहीं बताना चाहती थी, आई एम सॉरी। तुम्हें डर था कि तुम जिसे चाहती हो कहीं वो हॉगमॉथ तो नहीं? क्या? नहीं, आपको कैसे पता? मतलब मैं उसे नहीं चाहती। ठीक है, एड्रियन अमेजिंग है, वो एक सुपर विलन हो सकता है, ये मैं मान ही नहीं सकती। पता है मैरिनेट, अगर हॉक मौत को हराना है तो हमें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। जानती हूँ, पर एड्रियन अब कभी स्कूल नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे बुक नहीं लौटा सकती और मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल ना हो मैरिनेट। ये नए इन्वेंशन तो वाकई में बहुत कमाल के हैं। तो जब एड्रियन बुक रखकर चला गया तो मैंने उसमें देखा, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें एड्रियन के पोर्टफोलियो की कुछ फोटोज होंगी और वो बहुत ही क्यूट लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर जब वो वापस आया तो मुझे डर लगा कि वो मुझे देख लेगा, इसलिए मैंने बुक पर्स में छुपा ली। आई एम रियली रियली सॉरी। अच्छा, तो तुम उसकी चाहने वाली हो? हाँ, आपने सही कहा, ऐसा ही कुछ है। आप उसे ये सब बताएंगे तो नहीं ना? अब आप एड्रियन को स्कूल आने देंगे? वैसे उसने मेरी किताब गुम नहीं की थी, वो तुमने की थी, इसलिए हाँ मैं उसे आने दूंगा। थैंक यू। एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने वो बुक देखी और मुझे बहुत ही ऑसम लगी, और लेजेंडरी हीरोज की इलस्ट्रेशंस बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बुक कहाँ मिली? वाइफ के साथ फॉरेन ट्रिप में मुझे वो बुक मिली, मैंने उसकी दूसरी कॉपी पहले कभी नहीं देखी। तो आप बहुत ही लकी हैं कि ये बुक आपकी है। तुमने एड्रियन के लिए जो किया वो हिम्मत वाला काम है। थैंक्स टिकी, बस एड्रियन को घर से निकलने की परमिशन मिल जाए किसी तरह। ओके प्राइम क्वीन, तुम जीत गई। मैं कन्फेस करती हूँ, कैट नोआर और मैं एक कपल हैं। जैसा तुमने कहा, वी आर इन लव। तुम अभी पर कर रहे थे क्या? नहीं तो। हमारे दो सुपर हीरो लव बर्ड सच एडमिट करके अपने फैंस की जान बचा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन मेरी टीवी रेटिंग्स अभी मैक्सिमम नहीं हुई, तुम्हें कुछ और करना होगा। तो आकर हमें ज्वाइन करो प्राइम क्वीन, वैसे भी तुम इस शो की होस्ट और स्टार हो, फिर शायद रेटिंग्स बढ़ जाए। उनसे उनका मिराकुलस मांगो। मेरा शो, मेरे रूल्स लेडीबग, तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है ये प्रूव करने के लिए तुम्हें अपनी मास्क उतारने पड़ेंगे, जिसका मतलब है तुम्हें मुझे तुम्हारा मिराकुलस देना होगा। कभी नहीं प्राइम क्वीन। रुको, मैं जानता हूँ अपनी फीलिंग्स कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलो नाटक करते हैं। कभी नहीं किटी। शो ओवर हो गया क्या? अगर वो यहाँ नहीं आई तो उसका अकुमा कैसे पकड़ेंगे? मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपके सामने ला रही हूँ सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेडीबग, मुझे बचाओ प्लीज। ओह रुको, ये वही लड़की है ना जिसने लेडी ब्लॉग शुरू किया था, जिसने पहली बार लेडीबग का वीडियो बनाया था? नहीं, आलिया। अपना मिराकुलस दो वरना तुम्हारी सबसे बड़ी फैन अपनी जान गंवा देगी। वो भाग जाए, उससे पहले वहाँ चलते हैं। हे, रुको, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई तो मदद करो। हेलो कैट नोआर। सॉरी, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास सुपर हीरोज वाला कोई काम नहीं है? नहीं, आज मेरा सुपर हीरो बनने का मूड नहीं है, और आज मैं अकेले भी नहीं रहना चाहता। अच्छा, एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ? मैरिनेट, राइट? हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, कई बार, मेरा मतलब हाँ, एक बार एक सुपर विलन को मुझसे प्यार हो गया था, मेरा बैड लक। सीरियसली, ऐसा लग रहा है मेरे भी लव डिपार्टमेंट में बैड लक ही बैड लक है। सच में?
ऐसा क्यों? Well, आज रात मैंने लेडी बग के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। तुम लेडी बग से प्यार करते हो? सच में? तो क्या था वो स्पेशल सरप्राइज? उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो आए ही नहीं। शायद आज हम दोनों को चीयर अप करने की जरूरत है कैट नोआर। मतलब तुम्हारा भी दिल टूटा है क्या? हाँ। हे, चलो मेरे साथ। अपनी आंखें बंद करो और कस के पकड़ो, ओके? शैतान कहीं के मेरे बालों को खराब कर रहे हो। आई होप तुम्हें मजा आ रहा है क्लोइ स्टेन्स। तुम हमेशा इतनी देर से क्यों आती हो? ये तो बहुत ही स्लिपरी डांस फ्लोर है। लेडीबग क्या हुआ? कैट नोआर कहाँ गया वो? क्या कर रहे हो तुम? Despair, Bear. अगर तुम्हें ये गेम खेलते रहना है तो मुझे लाकर दो लेडी बग का मिरेकल्स। ओह प्यारे इयररिंग्स। कैट नोआर, ये मैं हूँ, लेडी बग। कैरेक्टर्स। पंजे हटाओ किटी। आई। थैंक यू। मैंने अभी अभी अच्छा बिहेव किया, सबने देखा ना, राइट? आँखें खराब हैं। लकी चार्म। एक फॉर्क। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये पागल है क्या, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाई। सॉरी। मैंने कहा ना बाद में कैट नोआर। संभल के। अकुमा उसके पेन में ही है। दम है तो हाथ लगाओ। अब हम क्या करेंगे, चाहकर भी हम उसे 10 फुट लंबे पुल से नहीं छू सकते। उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी है, अगर वो हमें छूना चाहती है तो उसे भी छूने लायक बनना होगा। हाँ तुम सही कहती हो। जरा ध्यान से, वो रूम में ही कहीं छुपी हुई है, अगर उसे हमारे मिरेकुलस चाहिए तो वो अनटचेबल नहीं रह सकती। अगर हम उसे पकड़ सकते हैं तो उसके पेन को भी पकड़ सकते हैं और अकुमा को भी, पर जल्दी करना होगा। पकड़ लिया। नहीं। तुम आधी जंग तो हार गई हो लेडी बग। नहीं। Excellent troublemaker. Cataclysm. वो मेरी कब्जे में था। बाल बाल बच गए।
मैंने सोचा नहीं था कि हम इस तरह अपनी पहचान शेयर करेंगे। नहीं, ऐसे तो नहीं। उसके लिए टाइम है, जब तक हम ट्रबल मेकर और हॉक मौत को भगा नहीं दे। वेल हेलो किटी कैट, लगता है तुम्हारी बच्चों के साथ बनती नहीं। मजाक कर रही हो, हम तो बस एक अच्छा गेम खेल रहे थे। अकुमा शायद उसके ब्रेसलेट में है। जाकर डाकर ध्यान है, लेडी बग से थोड़ा बच कर रहना। ये क्या था, मतलब तुम्हारी भी बच्चों के साथ अच्छी नहीं बनती, क्या उड़ान थी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आज तक बहुत सारे बच्चों को बेबी सिट कर चुकी हूँ। प्लान चेंज करते हैं, बेबी को काम करने के लिए उसे प्ले पेन में डालते हैं। और हमें उसकी साइज का प्ले पेन मिलेगा कहाँ? आईफिल टावर है ना, हम उसे मेरी योयो स्ट्रिंग से वहाँ उलझा कर रखेंगे, थोड़ी पोएम सुनाएंगे, तुम्हें आती होंगी ना, बेड टाइम स्टोरी सुना के सुलाएंगे, फिर कुर कुर आवाज करेंगे, और जैसे ही वो सो जाए बैप, तुम कैटाक्लिज्म करके उसका ब्रेसलेट डिस्ट्रॉय करना। इंटरेस्टिंग आइडिया माय लेडी, लेकिन हम उसे वहाँ तक लेकर कैसे जाएं? तुम्हारे पास सिंपल प्लान नहीं है क्या? लकी चार्म कैसा रहेगा? अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो बस मुझे कॉपी करो। बिग बेबी, एक बार उसे अपने प्ले पेन में पहुंचा दिया तो मैं पोएम्स गाऊंगा। देखो, हमें बेबी को काम करना है, उसे रुलाना नहीं। क्या? है। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें एक दिन जरूर सुनाऊंगा और तुम्हें भी पसंद आएगी। हेलो बड़े बेबी, अब हम क्या करें? तुमने एड्रियन को कहाँ छुपाया? हमें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, मुकाबला अब बस तुम्हारे और मेरे बीच है। रिपोस्ट, तुम बास नहीं आओगी। ठीक है, मैं तुम्हें हराकर मिराकुलस ले लूंगी और फिर उसे ढूंढूंगी। मैं तुम्हें उस तक पहुँचने नहीं दूंगी। लेडीबग के पास जाने का टाइम आ गया है। याद नहीं उसने यहीं रुकने को कहा था? तुम उसकी बात नहीं मानोगे? मुझे उसकी मदद करनी होगी। फ्लैग, क्रॉस आउट। कैट नोर, लूव में फेंसिंग टूर्नामेंट चालू है, मुझे कैसे नहीं बुलाया? एक बार बताओ, तुम ग्रूमर के पास थे इसलिए लेट हुए ना? मैं बाल बना रहा था माय लेडी, बिल्लियों को सजने में टाइम लगता है ना। चेकमेट रिपोस्ट, तुम गलत गेम में हो लेडी बग, शायद तुम्हें अटैक एंड पॉइंट कहना था। तुम ठीक हो ना कैट नोर? लेडी बग, हारने के लिए तैयार हो जाओ लेडी बग। तो आंद्रे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई है इन दिनों जो आइसक्रीम को शेयर कर सके? हाँ है ना, मेरे पास ये तो है जो फ्लेवर का बढ़िया मिश्रण करती है। हे स्वीटी, ऐसा किसने किया टी शर्ट के साथ? मैंने ये खुद किया ग्रैंडमा, आप पिछली बार आके गई थी तब मैं स्टिचिंग सीखी थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो मैरिनेट, पता है तुम्हारे अगले बर्थडे पर मैरी को रौनिया जू में नहीं जाएंगे, अगले बर्थडे पर मैं तुम्हें अपनी ट्रिप पे ले जाऊंगी। थैंक यू ग्रैंडमा, पर पता है क्या, मुझे जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Marinette, happy birthday to you. तुम्हें उसे खोलने का चांस ही नहीं मिला, इतना सब हो गया। मैं हमेशा तुमने दिया हुआ लकी चार्म लेकर जाता हूँ और मुझे लगता है ये काम करता है, इसलिए अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए बनाने की।
तुम कितने ऑसम हो। ये बहुत ऑसम है, ये चार्म, मतलब मेरा मतलब है मैं इसे पहनूंगी। सच कहूँ तो एक्चुअली थैंक यू। ओह टीकी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने ये मेरे लिए बनाया खुद। एड्रियन, अगर मुझसे पूछो तो ये अजीब सा गिफ्ट है। तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा नहीं टीकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वो मेरे लिए प्रेशियस नहीं। मतलब तुम्हें गिफ्ट पसंद आ गए? ऑफ कोर्स टीकी, प्रेजेंट की सबसे खास बात ये है कि उसे देने वाला स्पेशल होता है। तुम दोनों की हुई नहीं है सगाई, क्या तुम्हें लगता है तुम जीतोगे ये लड़ाई? एक से भले दो, कैटनोआर मैं लेफ्ट से जाती हूँ। मैं तैयार हूँ। कैटनोआर क्या कर रहे हो? ऊप्स, सॉरी माय लेडी। ये शो है म्यूजिकल, पर आखिरी है तुम्हारा पल। यही रुको और करते रहो डांस, वरना फ्रीज हो जाओगे और नहीं मिलेगा कोई चांस। राइट, करना पड़ेगा राइम, आसान नहीं है। ऑल द टाइम। नाइस वर्क लेडीबग और कैटनोआर, अब लड़ नहीं सकते, वो सिंगिंग और डांसिंग में बिजी रहेंगे, तब हम उन पर अटैक करेंगे। जल्दी करो नाइट एंगल, उनके मिराकुलस लॉकर मुझे दो। हॉक मॉथ से दोनों हारे, मिराकुलस हुए तुम्हारे। कैटनोआर जारी रखो, मत उड़ने दो फ्यूज, और मत भूलना अपने डांसिंग फाइट मूव्स, जैसे मेरे कैपवरा क्रूज। कैटनोआर क्यों है इतना डम? उसे पता नहीं 50+50 का सम। यस आई डू, और डम हो तुम, समझ गई? 50+50 होते हैं 102। तुम्हारा मैथ खराब है, फिर से काउंट करो माय लेडी। 50+50 नहीं होता राइम, गलती की तो फ्रीज हो जाओगे इन नो टाइम। मैंने तो कर दी गड़बड़, पर थैंक्स टू तुम्हारी बड़बड़। तुम दोनों समझते हो खुद को क्लेवर, पर दोनों हो जाओगे फ्रीज फॉरएवर। उसे छोड़ दो। लेडीबग, वो अकेली आई है, अगर एड्रियन कैटनोआर है तो हेल्प करने के लिए वो ट्रांसफॉर्म होगा। गोरिल्ला, लेडीबग पर अटैक करो। कोई फायदा नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैटनोआर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जल्दी आओ पंपनास टावर के पास। लकी चार्म। एक हेलीकॉप्टर, ये कोई खेलने का टाइम नहीं है। एक्सीलेंट, अब लेडीबग का मिराकुलस छीन लो और कैटनोआर का वेट करो। I'm so sorry, Ladybug. Don't worry. मैं बस एक बार ये स्विच ऑन कर दूँ। Ladybug को पकड़ो। रुको एड्रियन। एड्रियन को जाने दो अभी। कौन हो एड्रियन? जल्दी, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा हमेशा।
नहीं। अगर तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो क्या मैं चीज की तरह पिचक जाओगे? मैं अभी नहीं कर सकता। आई एम श्योर लेडी बग के पास कोई प्लान होगा। आई ट्रस्ट हर। घबराओ मत एड्रिन, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा, घबराओ मत। अगर तुम कैट नोआर हो तो ट्रांसफॉर्म हो जाओ बेटा, प्लीज। कम ऑन बेटा। कैट नोआर, हेल्प! लेडी बग को छोड़ो। शाम तो गायब हो गए। वो ऐसे गायब नहीं हो सकता, जरूर स्टेडियम के ऊपर से चला गया होगा। वो टनल। उसने हमें घेर लिया है। हम इनसे अकेले नहीं निपट सकते, हमें रिपोस्टर्स को ढूंढना होगा। कहा था वो जाइंट हार्ड ड्राइव परेशान करेगा। तुम अपने कैटाक्लिज्म क्यों नहीं यूज करते? पर मैं हिल भी नहीं पा रहा। तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। रिपोस्टर्स, उन्हें मारने से पहले मेरे लिए उनके मिरेकुलस छीन लो। लेडीबग और कैट नोआर ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्हें जाने दो। इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। मैं उनके मिरेकुलस ले लूंगा जिससे हमारी विश पूरी हो जाएगी और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। कौन सी विश? मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ। आखिर ये कैसी विश है? हमेशा तो हॉकमोथ मिराकुलस की मांग करता है। वो क्या था? क्या हो रहा है लेडीबग? माय लेडी? नहीं। देखो मैक्स, मैं अगले 53 सेकंड्स में इंसान बन जाऊंगा। अरे याद दिला दूं, वो मिराकुलस मेरे हैं रिपोस्टर्स। और तुम मुझे उन्हें यूज करने से कैसे रोकोगे? सिंपल है, मैं तुम्हारी पावर छीन लूंगा। तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? इंट्रूजर, एलिमिनेशन मोड एक्टिवेटेड। मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ हॉकमोथ। ये क्या हो रहा है? मेरे फ्रेंड्स तुम्हारा ध्यान रखेंगे जब तक मैं इन दोनों से निपटता हूँ। अब तो कुछ हट के ही सोचना होगा। I'm sorry, Cat Noir. Sorry, Robustus. मुझे तुम्हें रोकना होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। पावर यूज करेगा, टाइम आ गया। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई होप ये काम कर जाए। जिस सॉल्यूशन को बनाना है उसके बारे में सोचो, बस फोकस करो। मिराज! Awesome! मेरा नेकलेस फ्लैश कर रहा है, इसका मतलब मैं ट्रांसफॉर्म होने वाली हूँ। हाँ, लेकिन मेरे सामने हो भी गई तो क्या, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा? शरारती बिल्ली, तुम अच्छे से जानते हो कि हमारी आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए। गुड जॉब, तुम एक फास्ट लर्नर हो। तुम्हें कोई सुपर हीरो टिप चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें ले जाऊंगी सैपटी लैंड, जहाँ कोई बेड टाइम नहीं, बस मस्ती ही मस्ती। नहीं, रुको, वहाँ मत जाओ, लेडी बग तुम्हें उल्लू बना रही है। Step 3. क्या ये सच में काम करेगा? Oh, don't worry. कभी-कभी चीजें से ज्यादा अजीब हो जाती है। तुम्हारी बारी लेडी बग। हमें सारे हैट्स मिल गए लेडी बग। कैटाक्लिज्म! Yeah.
आंखें बंद करो एंड नो चीटिंग। हम ये नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी। स्पॉट्स ऑफ। क्लॉज इन। मिराकुलस मिल गया सर। अब मैं पेरिस का अकेला सुपर हीरो हूँ जो अपना वादा निभाएगा। अल्बर्ट, विक्ट क्रीम डीएक्टिवेटेड हो गई सर। मिराकुलस मुझे दे दो। अल्बर्ट, ट्रांसफर करो। मैं सबसे बेस्ट बर्ड हूँ। लेडी बर्ग का क्रिएटिंग और कैट नोअर का डिस्ट्रीब्यूशन पावर अब मेरी है। जो भी इन दो मिराकुलस को मर्ज करेगा उसे एक विश मिलेगी जो दुनिया बदल सकती है और पास्ट को मिटा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेडीबग और कैट नोअर ने तुम्हें फंसाया है। ये मिराकुलस फेक है, ये नॉन्क से बने हैं। मास्टर फू, मास्टर इस तरफ। कैट नोअर और मैं मरमेड को पानी में नहीं हरा सकते। जानता हूँ, बदकिस्मती से मुझे करेक्ट प्लान नहीं मिला जो तुम दोनों की मदद कर सके। मैं फेल हो गया। नहीं मास्टर, हमें वो इंग्रेडिएंट ढूंढना ही होगा। खुशी के आंसू, मैंने हर चीज ट्राई कर ली। लाफिंग फाउंटेन का पानी, पहाड़ों की पिघली हुई बर्फ, असली चॉकलेट की बूंद का अर्क, सब कुछ। पर आपने असली टीयर ऑफ जॉय ट्राई किया क्या? चलिए मुझे एक बहुत ही फनी जोक सुनाइए। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मजाक करने का वक्त है? ओके, आप रात को बेड पे क्यों जाते हैं? मुझे नहीं पता। क्योंकि बेड आपके पास नहीं आ सकता। बिना हिले क्या ऊपर नीचे जा सकता है? सीढ़ियाँ। किसी कछुए की पीठ पर बैठकर स्नेल क्या कहती है? मुझे लगता है तुमने मैजिक इंग्रेडिएंट ढूंढ लिया मैरिनेट। यम्मी। चीकी, पावर अप। एक्वा चीकी। एक्वा चीकी, मॉन्सून। मास्टर फू, नूडल्स को उबलते पानी में डालने का सही वक्त आ गया है। जैसा तुम कहो लेडीबग, मैं वैसा ही करूंगा। पकड़ो उसे। बहुत अच्छा किया कैप्टन हार्ड रॉक। मेरा खजाना तो तुम्हारा मिराक्युलस है किटी कैट। इतनी भी क्या जल्दबाजी है लेडी बग? अगला नंबर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें पायरेसी रोकने का ऑर्डर देता हूँ कानून के नाम पर। फिर से आ गए। तुम भी लो। कहाँ गए वो? अगर तुमने अपना मिराक्युलस देने से इनकार कर दिया तो मेरा अगला टारगेट मेयर बोजुआ और उसका लैम ऑर्केस्ट्रा होगा। लिबर्टी, अगला स्टॉप सिटी हॉल। थैंक्स माय लेडी, बहुत दिनों से मैंने फिश नहीं खाई थी। हम एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैं उन लोगों को नहीं छुड़ा सकी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चेन को कैसे यूज करूं। शायद ये चेन बता रही है कि तुम्हें मुझसे बंद जाना चाहिए हमेशा के लिए। तो मेरी चेन
खींचोगे कैट नोआर, अभी वक्त है शिप को खींचने का। ठीक है लेडी बग कैप्टन। हाँ, तुम फिर से आ गए। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए नीचे भेज दूँ। नहीं, उसे कंपस से दूर रखो। आखिरी बार कह रहा हूँ, कानून के नाम पर अपनी बोट रोको। कभी आइस स्केटिंग सीखने के बारे में सोचा है? जजेस तुम्हारी स्माइल से घायल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, पर मेरी लाइफ में पहले से ही म्यूजिक है और शायद मैं नई धुन बनाने वाला हूँ। तो म्यूजिक स्केटिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोचो। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है इसलिए तुमने उन्हें बुलाया है? बिल्कुल नहीं, मैंने बस मैरिनेट से हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? बस मुझे स्केटिंग सिखाने के लिए। पर उसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। तो मैं चैंपियंस वाली बात है, स्टाइल टैलेंट, मुझे तुम्हारा प्राइवेट कोच बनने दो। आर्चरी और फेंसिंग जैसे नोबल आर्ट सीखती हूँ, आइस स्केटिंग सिर्फ मजे के लिए है। मैं एक वीक के लेसन फ्री में सिखाऊंगा, बस कुछ घंटे रोज और तुम स्टार बन जाओगी। थैंक्स, पर मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। क्या वो एड्रिन अग्रेस्ट है? एड्रिन अग्रेस्ट, मैं ग्रेस, स्टाइल मॉडल और प्रोफेशनल आइस स्केटिंग चैंपियन को देख सकता हूँ। अगर तुम मुझसे सीखो तो दुनिया में तारों की तरह छा जाओगे। हाँ ये सच है? मैं श्योर नहीं हूँ। ये ऑलरेडी मेरे साथ फेंसिंग करता है। तुम ठीक हो? मुझसे थोड़ा सीखना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लीज एड्रिन अग्रेस्ट, ये फॉर्म भर दो, तुम्हारे फैंस दौड़े चले आएंगे और मेरा आइस रिंग बच जाएगा। कोई भी सीखना नहीं चाहता फिलिप, तुम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हो, है ना? आप सही हैं। उठो, सिर्फ हेजिटेशन के कारण ही तुम खड़ी नहीं रह पाती हो। मैं कभी हेजिटेट नहीं करती। अब चली। मैरिनेट, तुम ठीक तो हो ना? शायद मुझे कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। जाओ, वो बहुत डेंजरस है। ऐसे दूर रहकर न्यूज बनाना मुश्किल होता है लेडीबग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है, आलिया सिसेर, ये बी का मिराकुलस है जो तुम्हें पावर ऑफ सब्जेक्शन देता है। मेरे साथ बुराई को हराओ। लेडीबग, तुम तो फैशन हो, हार मान लो। दूर हो जाओ। नहीं, कैट नोर कहाँ है? और लेट मी गेस, अपने आउटफिट से शर्मिंदा होकर वो छुप गया। लकी चार्म। ग्लू की ट्यूब, हार मान लो बाग। डर कर भाग रही हो ना लेडी बाग? ग्लू डाइड, हाँ ओरिजिनल है, लेकिन मैं अभी भी
ओह, क्या हुआ? तुम्हारा पेट खराब हो गया? How dare you? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम स्टार क्वीन से मुकाबला नहीं कर सकती लेडी बग। जल्द ही तुम एक बुरी मेमोरी बनकर रह जाओगे शोल्डर पैड्स की तरह। लेडी बग से दूर रहो। फ्लैग। माय माय, ये क्या है? बोलता हुआ चूहा। मियाओ, बच कर रहो। कैटाक्लिज्म। करना है जल्दी करो। आप समझे मास्टर को तुम्हें आने क्यों नहीं दे रहे थे? हमें थोड़ा गंदा होना पड़ेगा कैट नोआर। अजीब बात है, अभी तो नहाए थे। मेरे पीछे आओ। कहाँ है वो? ये डिस्गस्टिंग है। कैट नोआर, अब तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। छोटे अकुमा, बुराई का खेल साथ पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। कर दिखाया। मुझे मिरेकुलस किसी को लौटाना है क्लोई। मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। और रिबूजवा, जो हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से क्लोई ने अभी दिखाया कि उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने ये सब अपनी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए किया। गलती किसी से भी हो सकती है, सुपर हीरो से भी। बस उसे वक्त पर सुधार लेना चाहिए। मुझसे भी गलती हुई मिरेकुलस को खोकर। इसे वापस ना करके एक और गलती मत करो। एक्ट लाइक अ हीरो और लोगों को बता दो तुम कितनी एक्सेप्शनल हो। थैंक यू लेडीबग। कैट नोआर, आई एम सॉरी। होशियार रिबोसा, एक राइटर के पास कभी आइडियाज की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम इन्हीं पैरों से दौड़ती हो ना, अभी तुम्हारे पैरों को सबक सिखाता हूँ। सॉरी, ये मेरी साइकिल के साथ क्या? थैंक यू लेडी बग। पकड़ लिया। तुम्हें अपना नया रोल कैसा लगा लेडी क्लर्क्स? बहुत अच्छा काम किया रिवर्सर, वो कमजोर हो गई है। अब तुम उसका मिरेकुलस ले लो, उसके इयररिंग्स। तुम्हारा मिरेकुलस अब मेरा है। ऑसम कॉस्ट्यूम। अगर फाड़ दिया तो बुरा लगेगा। सब ठीक हो जाएगा माय लेडी। खुद को बहुत बहादुर समझते हो कैट नोआर, अब बहादुर से कमजोर बन जाओ। रिवर्सर। ओ हाँ, मैं तो डर गया। कम ऑन माय लेडी, इसको खत्म करते हैं। माय लेडी। क्या हुआ बच्चे, ऊंचाई से डर लग रहा है? उन्हें ढूंढो रिवर्सर, तुम मिरेकुलस के बहुत करीब हो।
उनकी पावर अब खत्म हो गई है। हॉक मौत हम उन्हें कभी भी सबक सिखा सकते हैं, पर इनसे पहले मुझे मैरिनेट और नथानियल को सबक सिखाना है। ठीक है, लेकिन जल्दी मुझे मेरे मिरेकल्स चाहिए। एलेक्स, तुम्हारा दोस्त आया है। नथानियल और मैरिनेट कहाँ है? तुमने बहुत ही प्यारी कॉस्ट्यूम पहनी है, क्या तुम हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करोगे? मुझे सिर्फ इतना जानना है नथानियल और मैरिनेट कहाँ है, जल्दी बताओ। उसकी वजह से तो मैं अब स्विम भी नहीं कर पा रही। मुझे लगता है मुझे जुकाम हो जाएगा। हम उसे कैसे हराएंगे? क्या तुम्हें फिर से उसका सामना करना है? मैं तो सच बोल रहा हूँ, उस बुरे आदमी के साथ फाइट नहीं कर सकता। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। रिवर्सल किसी नथानियल नाम के लड़के को ढूंढ रहा है, हमें पहले उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कुछ करे। मैं जा रही हूं। मैं नहीं कर सकता, सीढ़ियाँ बहुत ऊँची है, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन लिटिल किटी, किटी किटी किटी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, देखो तुम कर सकते। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ए, सिक्स हैंड्स, लो इसे पकड़ो। बैड चेंज, तुमने किटी के बदले टर्टल पा लिया। आई लव एनिमल्स, लेकिन मुझे स्पाइडर्स पसंद नहीं। मिस कर दिया। सच में? अनांसी, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। एक राउंड, अगर तुम जीती मेरा मिराकुलस तुम्हारा, और अगर मैं जीती तो तुम कैदी को छोड़ दोगी। सिंपल। कुछ ही देर में कैट नोवार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये चाल है उसकी, मत सुनो। डोंट वरी बटरफ्लाई मैन, इस बग का मुझसे कोई मुकाबला नहीं। मैं तुम्हें निकल जाऊंगी नास्टी बग, एक पंच ही काफी है। तुम हवा में पंच नहीं कर सकती। खेल खत्म। एक पंच? पहले हाथ तो लगा कर दिखाओ। चुप रहो। लेकिन क्यों, एक समय पर दो काम नहीं कर सकती तुम? सीधी खड़ी रहो। तुम इतनी वीक हो कि तुम्हारी परछाई भी तुम्हें हरा देगी। बचो इससे। तुम जीत नहीं सकती तो हार मान लो और मिराकुलस मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारी बारी है कैप्टन टर्टल, अपने पावर को अभी यूज करो। एट योर सर्विस ड्यूड। लेडीबग शेल्टर। या माय लेडी, तुम मेरी जगह टर्टल को तो नहीं देने वाली हो ना? जो पावर मुझे दी गई है मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मिरेकुलस दे दो। हार मत मानना, लोग सिर्फ और सिर्फ पावर की रिस्पेक्ट करते हैं। आप सही कह रहे हैं हॉक मॉन, जो पावर मुझे दी गई है मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम सारे मेरे गुलाम हो जाओ। जल्दी इस बबल को फोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वो पूरी सिटी को कंट्रोल कर लेगा। तुम्हें उसके गार्ड्स के आगे निकलना होगा। लकी चार्म। अच्छा है, ये लकी चार्म इफेक्टिव रहेगा। हमें सबकी जरूरत नहीं। सच कह रही हो? हाँ, तुम्हें बस उसके स्टिंग को बाहर निकालना है। तुम मैलेडिक्टेजर पर फोकस करो, मैं गार्ड्स को संभालती हूँ।
हमने ऐसा क्या किया आंद्रे? आह बामर, अब ये मत कहना कि मैंने पार्टी मिस कर दी। हाँ, क्वीन बी और लेडी बग ने अभी अभी पेरिस को बचाया, इस बार सच में। मैं समझती हूँ लेडी बग, बज ऑफ। एक सुपर हीरो सिर्फ गड़बड़ ही सही नहीं करता। घर दिखाया। तुम इतनी अपसेट क्यों हो टिकी, क्या बात है? नूरू क्वामी का ट्रांसमिशन है। हॉकमोथ का क्वामी? हाँ, वो आज अकेला ही 3500 साइकिल मना रहा है। हम जल्दी ही उसे हॉकमोथ से छुड़ा लेंगे टिकी, आई प्रॉमिस। हमें जल्द से जल्द कोई सलूशन ढूंढना होगा। क्वामी साइकिल पूरी होने पर या बर्थडे पर आपस में बात कर सकते हैं, फिर लंबे समय तक दूसरा मौका नहीं मिलता। क्वामी की साइकिल कई 100 सालों की होती है। वाओ, कमाल है। फिर तुम पता लगा सकते हो वो कहाँ है, पर ये करते कैसे हो टिकी? क्वामीज को एक खास टाइम पर मिरेकल बॉक्स में जाना पड़ता है। और वो टाइम कब है? आज रात। आज रात? तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया टिकी? क्योंकि मास्टर वो नहीं चाहते कि क्वामीज अपने मालिकों को छोड़े, क्योंकि किसी के अकुमेटाइज होने पर हमारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए। वो सही है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन, अगर बाकी के क्वामीज मिल जाए तब भी तो ये हो ही सकता है ना? अगर मैं नहीं गई तो ऐसा नहीं होगा। जितने ज्यादा क्वामीज उतना ज्यादा सक्सेस का चांस। पर अगर मास्टर फू ने मना कर दिया तो? वेस्ट प्लैग और मेरा एक आइडिया है। एक्चुअली ये प्लैग का ही आइडिया है। प्लैग और मैं दूसरे क्वामीज के साथ मिरेकल बॉक्स में जाएंगे और वेस्ट बाहर पहरा देगा और किसी के अकुमेटाइज होते ही हमें बता देगा। तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छा आइडिया है, वेस के होते हुए कोई रिस्क भी नहीं है। अगर मास्टर फू को कुछ ना बताए तो भी? अगर हम नूरू को बचाकर हॉकमोथ को हरा देते हैं तो मास्टर फू को शिकायत नहीं होगी, है ना? तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है टिकी। ओह थैंक यू मैरिनेट, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। स्वीट ड्रीम्स। दिन भर काम करके मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट प्लैग। गुड नाइट सर। तुम कहाँ खिसक रहे हो नूरू? मैं बस थोड़ी देर बाहर जाना चाहता था, बस थोड़ी देर। नहीं, तुम्हें रूल्स पता है, तुम उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ना ही किसी से बात कर सकते हो। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, समझ गए? पर मास्टर, आज मेरा बर्थडे है, जाने दीजिए। लगता है तुम्हें रूल्स ठीक से याद नहीं। मैं इसे और आसान बना देता हूँ, अब से तुम किसी से भी बात नहीं कर सकोगे, समझ गए? पर मास्टर। ये जोक था नूरू, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। थैंक यू मास्टर। रीना रूज और कैरापेस, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तुम रीना रूज हो? बिल्कुल हूँ। तुमने मुझे कभी बताया नहीं। इसे सीक्रेट रखना पड़ता है, ठीक है? ट्रिक्स, लेट्स पाउंस। So awesome. लेकिन मैं कैरापेस हूँ ये जानकर तुम सरप्राइज नहीं होंगी? ना समझ नीनो, बस ट्रांसफॉर्म हो जाओ।
मुझे तो फिक्र हो रही थी कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग रहा है। क्या लेडीबग ने दोबारा बुलाने भेजा है? एक बात बोलूं, मैं जानता हूं कि लेडीबग के लिए इससे अच्छी क्वीन भी ढूंढ लूंगा। ओके ओके ओके, रुको, हमें काम भी तो करना है। मैजिक वर्ड्स क्या है? ओह कम ऑन, सब जानते हैं कि वो बज ऑन है। ओह वो मैजिक वर्ड्स, क्या तुम मुझे मेरा मिरेकुलस दे सकते हो कैटूआर प्लीज? सॉरी मेरे पास नहीं है। प्लीज जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं। उनका प्लान जाने बिना हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। गुड लक स्कारलेट मॉथ। लेडीबग और कैट नोआर मेरे पावरफुल आर्मी को देख रहे होंगे और कोई शक नहीं कि वो स्कारलेट मॉथ का हिस्सा होंगे। मैंने कहा था ना, अगर वो उनसे बात कर रहा है इसका मतलब लेडीबग और मिस्टर विस्कर्स वहीं पर होंगे और अच्छे लोगों के साथ होंगे। बहुत कॉकी मत बनो हॉक मॉथ, मैं तुम्हें ऐसी जगह काटूंगी जहाँ बहुत दर्द होगा। हम सबको 10-10 विलन मिलेंगे। हॉक मॉथ किसको चाहिए? रॉक पेपर सिजर खेल कर देख लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं मैं 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 हूँ। अब आगे का क्या प्लान है माय लेडी? तैयार हो जाओ, मुझे सबकी जरूरत है। अब तुम्हारी बारी है डार्क क्यूपिड। क्या क्या तमाम का ट्विस्ट है, उन घटिया हीरोज को इसका अंदाजा भी नहीं था। हॉक मॉथ डार्क क्यूपिड की मदद से नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा रहा है। सब फंस चुके हैं। फोकस करो गाइस, विलेंस को हावी मत होने दो। उन पर बारिश की तरह बरसो मेरे स्कारलेट अकुमार। वो देखो। ओ नहीं। और अब भी स्कारलेट मॉथ का इन घटिया सुपर हीरो से निपटने का बेहतरीन इलाज। तेरे पेट पीछे देखो। रीना नहीं, ये क्या किया? दूर हटो। पिट्टी कहीं के रीना रोज, नेगेटिव इमोशन को खुद पर हावी मत होने देना वरना तुम भी अकुमचाइज हो जाओगी और हॉक मॉथ यही चाहता है। शांत रहो, तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो। छोड़ो मुझे कमजोर कहीं के। Take it easy. तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है लेडीबग, मेरे इमोशंस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। Chloe! Dad? Mom? Queen Bee, focus! मेरे सामना करो या सुपर हीरो का खेल बंद करो। अब मैं हूँ रीना रेज। नहीं, अब कैरापेस नहीं रहा, अब रहेगा सिर्फ शेल शॉक। रुको,
क्वीन वास्प से बच्चों की नहीं कॉकरोच। तुम्हें नहीं लगता लकी चार्म यूज करने का अभी सही समय है? उसके लिए मुझे सबकी जरूरत है, अब उसका कोई फायदा नहीं। ये रहा जैक और मेट लेडी बग। मुझे इससे बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। डोंट लूज होप, वरना हम भी अकुमा चाइज हो जाएंगे। कैटाक्लिज्म जैसी सिचुएशन है। कैटाक्लिज्म? ओ हाँ, नीचे ले चलो कैट नोआर। कैटाक्लिज्म। मेरा मुकाबला करके दिखाओ सांता क्लॉज। मेरा भी माय लेडी। कैट नोआर, तुम थे कहाँ और एजेंट कहाँ है? वो बहुत लंबी स्टोरी है, कैट के भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं। अब बच्चों को प्रेजेंट्स कौन डिलीवर करेगा सांता क्लॉज? किसी को कोई प्रेजेंट्स नहीं मिलेंगे, कोई क्रिसमस नहीं मनाएगा। बदतमीजी का यही नाम। मैंने पूरा साल अच्छा बिहेव किया है। शायद इतना भी ज्यादा नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो एक अच्छी सी स्ले राइड हो जाए मेरे छोटे एल्व्स। तो चलो चले। ये चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है क्या? तुम्हारा गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया किरी। मैं प्ले को रोकने की कोशिश करती हूँ, तुम सांता क्लॉज को संभालो। थोड़ा आराम दे। थैंक यू लेडी बग। फिर से नहीं। लेडी बग कैट नोआर इसे कहते हैं क्रिसमस न्यूज। क्या आप लेडी ब्लॉक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो आपको दिख रहा है वो सही नहीं है। नहीं कैट नोआर, यह ऐसे नहीं रुकेगा। लकी चार्म। आई होप ये हमें नए सिटी में जाने को नहीं कह रहा। मुझे पैकिंग टेप, सिजर्स और ऑफिस सप्लाइज चाहिए। इनमें से कुछ भी है? वहाँ ऊपर। यहाँ पर। और यहाँ भी। मेरे क्रिसमस लिस्ट। जो पेंचेंग की बेकरी में जाओ और ये सब ले आओ, फिर मुझे आइफिल टावर के पीछे मिलना। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मैंने हमेशा से तुम्हारा सांता क्लॉज बनना चाहा माय लेडी। डोंट वरी, क्रिसमस पे सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। जाओ उसे पकड़ो लेडी क्लॉज।